गर्मी के मौसम में आप रहें कूल, इसलिए लेकर आए हैं हम अब हर ब्रांड के फ्रिज, कूलर, एसी, वाटर कूलर, डीप फ्रीजर, इन सभी की विस्तृत श्रृंखला और वो भी आसान फाइनेंस सुविधा के साथ। जी हाँ, छाबड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, शहर का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, पंधाना रोड, खंडवा। संपर्क सुदीप सिंह छाबड़ा, मोबाइल नंबर 9110151515 और सतबीर सिंह छाबड़ा 9110151116। खंडवा जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को शपथ दिलाई गई। शपथ कार्यक्रम प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह की अध्यक्षता में हुआ। किशोर सभागृह में जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ जिला पंचायत की सीईओ नंदा भलावे कुशरे ने दिलाई। इस अवसर पर अध्यक्ष पद की शपथ कंचन मुकेश तनवे और उपाध्यक्ष पद की शपथ मंत्री विजय शाह के पुत्र दिव्यदित्य शाह ने ली। इसके अतिरिक्त 14 अन्य जिला पंचायत सदस्यों को भी पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री विजय शाह ने कहा कि किसी भी सदस्य को अपने कार्य क्षेत्र में जनता के लिए कार्य करने में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, ऐसा प्रयास किया जाएगा। साथ ही हर घर तिरंगा की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, कलेक्टर अनूप कुमार सिंह, एसपी विवेक सिंह सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि अधिकारी गण मौजूद रहे। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष कंचन मुकेश तनवे और उपाध्यक्ष दिव्यदित्य शाह ने कहा कि सबके साथ मिलकर विकास करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की जन कल्याण योजनाओं का लाभ पहुंचे, उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे, गांव में जो मूलभूत सुविधा है उन सबको पूरा करने का काम करेंगे। शपथ कार्यक्रम में वन मंत्री विजय शाह की शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जो भी सदस्य जीत के आए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, हम सब साथ में मिलकर विकास के कार्य करेंगे, विकास के कार्यों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। शपथ भाई साहब मैंने निष्ठापूर्वक ली है और मैंने जो शपथ ली है उस पर मैं बिल्कुल खड़ा उतरूंगी और गांव-गांव जाकर उनकी समस्याओं का हल करूंगी। वो जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजना चल रही है उनका सभी को, गरीबों को मैं लाभ दिलवाऊंगी। भाई साहब भ्रष्टाचार को मैं पूरी मतलब जड़ से खत्म करूंगी। देखिए, जैसे कि मैंने आपको जब नतीजे आए थे, जब उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के नतीजे आए थे, तब भी मैंने कहा था हम सब लोग मिलकर इस पूरे जिले का विकास करने का प्रयासरत रहेंगे। जहाँ तक कि मैंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना, हमारे शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री जी की योजना जो है, इन सभी उनकी जितनी भी योजनाएं, उनको प्रत्येक व्यक्ति, जो व्यक्ति उसका सही में उसको लाभ मिलना चाहिए, उस तक वो सारी पहुँचें। पंचायतों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको लेकर किस तरह से आप लोगों का रणनीति रहेगी? देखिए, प्रजातंत्र में जनता का जो निर्देश होता है, जनता का जो मताधिकार के बाद जो आदेश होता है वो शिरोधार्य होता है। आज 16 की 16 जो जिला पंचायत के सदस्य जनता के द्वारा चुन के आए हैं, उनको हमने न सिर्फ शपथ विधि यहाँ करवाई है बल्कि उनका सम्मान किया है। और मैं उनको सरकार की ओर से इन सबको आश्वस्त करता हूँ कि बिना भेदभाव के आपके 16 की 16 जगह जाके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और शासन के प्रतिनिधि के नाते में स्वयं आपने जो वादे करके आए हैं जनता से, हम और आप मिल करके प्रजातंत्र की जनता की इच्छाओं के अनुरूप विकास कार्य में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज जितने भी सदस्यों ने यहाँ पर शपथ लिए, सबको ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।